एक यात्री पटरी के बीचों बीच पेट के बल लेटा रहा और ऊपर से मालगाड़ी गुजर रही थी। अब वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रहा है वायरल। सच ही कहा गया है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, यह कहावत चरितार्थ हुआ भागलपुर के कहलगांव स्टेशन पर। जब एक यात्री प्लेटफॉर्म से उतरकर पटरी पार करते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहा था, तभी अचानक से काफी तेज गति से मालगाड़ी आ गई और वह व्यक्ति पटरी के बीचों बीच गिर गया। फिर उसने तुरंत ही अपना दिमाग लगाते हुए पेट के बल सो गया और राम राम जपने लगा। युवक पटरी के बीचों बीच सोया था और उसके ऊपर से मालगाड़ी गुजर रही थी। भागलपुर के कहलगांव स्टेशन का यह खतरनाक वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शॉर्टकट मारने के चक्कर में बुरी तरह फंसा एक यात्री, बाल बाल बची जान। बताया जा रहा है कि एक नंबर प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म अपनी गाड़ी पकड़ने जा रहा था शख्स। मालगाड़ी के नीचे से निकलने की कर रहा था कोशिश, तभी खुल गई मालगाड़ी। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक यात्री रेल पटरी के बीच पेट के बल लेटा हुआ है और उसके ऊपर से मालगाड़ी गुजर रही है। किसी तरह उसने बचाई अपनी जान। निकलने के बाद ली उसने लंबी सांस, थोड़ी सी चूक से जा सकती थी जान। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि भगवान ही बचाने वाला है इस युवक को। अगर वह पेट के बल नहीं लेटा होता तो शायद कहलगांव स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हो जाता। वह अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए पटरी के बीचों बीच लेटकर भगवान का नाम लेता रहा और मालगाड़ी पास हो गई। किसी तरह उसकी जान बची, हालांकि उसे एक खरोंच तक नहीं आई। वायरल वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति पटरी के बीचों बीच पेट के बल लेटा हुआ है, वह काफ़ी धैर्यपूर्वक लेटा था। जब ट्रेन क्रॉस कर गई तब जाकर वह ऊपर उठा और लंबी सांस लेते हुए भगवान को याद किया। उसके लिए शायद यह नया जन्म से कम नहीं था। कहलगांव स्टेशन पर इस तरह का वीडियो वायरल होना साफ तौर पर रेल प्रशासन और व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। अगर वहाँ की प्रशासन चुस्त व मुस्तैद रहती तो शायद यह व्यक्ति नीचे प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर दूसरी तरफ नहीं जाता। यात्रियों के लिए सीढ़ी और पुल बना हुआ है, उसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन यह व्यक्ति नीचे से ही चला गया। शायद कोई देखने वाला नहीं था, इस कारण से ऐसा किया। इस पर प्रशासन को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अरे उसको पसंद था इसीलिए बच गया। अभी ले उठिएगा।